गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में मल्टीपल सीट को एक ही सीट में कैसे लिंक करवाए, यानी आप एक ही सीट से सारे सीटों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल सीट्स को एक ही सीट में कैसे लिंक करवाए। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ मौजूद है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट ऑफ जुलाई, जिसमें कैश, डीडी और चेक है। रिपोर्ट ऑफ अगस्त, इसमें देखिए आपका कैश, डीडी, चेक है। और सितंबर का भी देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो इसका फंक्शन क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैश का रिकॉर्ड हम लोग का खुल जाएगा। ये देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए डीडी में क्लिक करेंगे तो डीडी वाला जो रिपोर्ट है वो आ जाएंगे, और उसी प्रकार चेक वाले जो क्लिक करेंगे तो चेक वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसी प्रकार अगस्त का भी देखिए यहाँ पर शो होगा। देखिए तो सारे जितना भी सीट है, मल्टीपल सीट है, वो सारे आपका एक ही सीट में आ चुका है। तो इसको हम लोग कैसे बनाए, आज के टॉपिक में हम लोग यही चीज को सीखने वाले हैं। तो मल्टीपल सीट को हम लोग कैसे एक ही सीट में लिंक करवाए, ताकि हम लोग एक ही सीट से इसको मैनेज कर पाए। और आप यहां से कोई भी चीज चेंज भी करना चाहेंगे तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और हम लोग एक नया एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक नया एक्सेल सीट को ओपन कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर जो बटन बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बटन बनाएंगे। लेकिन बटन बनाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से सीट को यहाँ पर इसको लिंक करवाना है। तो आइए पहले देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और हम लोग चले जाते हैं माई कंप्यूटर में। और माई कंप्यूटर में देखिए ई ड्राइव में हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ डेटा है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट फॉर ऑफिस। यहाँ पर देखिए कलेक्शन बोल के एक ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को लोकल एसबीआई है, और यहाँ पर देखिए जुलाई और अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर तीन सीट अवेलेबल है, कैश, चेक और डीडी। और यहाँ पर अगस्त में भी देखिए कैसे कैसे हम लोगों के पास पेमेंट आए हैं, कैश में कितना आया, चेक में कितना आया, डीडी में कितना आया, वो दिया है। और सितंबर में भी देखिए कुछ यहाँ पर डेटा मौजूद है। तो इन सारे सीट को हम लोगों को क्या करना है, एक ही सीट में हम लोगों को इसको मर्ज करवाना है, यानी लिंक करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, आज के टॉपिक में यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं और हम लोग एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पर एक बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए आपको जो जहाँ जाना है वो है इंसर्ट बटन में। हम लोग इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखिए इंसर्ट टैब में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको जाना है शेप्स वाले सेक्शन में, और यहाँ से आपको ले लेना है राउंडेड वाले जो ऑप्शन है वो आपको ले लेना है। जैसे हमने राउंडेड वाले ऑप्शन को ले लेंगे, चलिए इसको मैं जूम को हटा देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके इसको बना लेंगे। यहां तक करने के बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एडिट टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे आप एडिट टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो ये राइटिंग मोड में आ जाएंगे और आपको यहां पर टाइप करना है। तो चलिए यहां पर टाइप कर देते हैं रिपोर्ट ऑफ जुलाई, रिपोर्ट ऑफ जुलाई, ये हो गया। अब इसका साइज को बड़ा करना है तो आपको चले जाना है यहां पर फॉन्ट स्टाइल में, और यहां से इसमें साइज को भी बड़ा कर लीजिए और इसका साइज मिनिमम 25 रख लेते हैं। ये हो गया। यहां तक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग इंसर्ट में आएंगे फिर से, और यहां से शेप्स लेंगे और यहां से इसमें एरो यहां पर लगा देंगे। इसको शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो एकदम बिल्कुल सीधा आएंगे। ये बन गया। फिर इंसर्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाइन को ले लेंगे, और लाइन लेने के बाद इंसर्ट यहां पर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके रखेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम सीधा बनेंगे, और फिर से इंसर्ट में जाके हम लोग एरो को ले लेंगे
और यहाँ से फिर से हम लोग रख के इस एरो को यहाँ पर क्लिक करेंगे, खींचेंगे और इसी का हम लोग जो है कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसी का कॉपी कर लेंगे, देखिए, और इसी को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। कंट्रोल के साथ आप क्लिक को दबाते रहिएगा तो यह आपका काम करते जाएगा, तो बहुत आसान है इसको बनाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का बटन और बना लेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे तो इसी तरह का राउंडेड बटन जो है आप यहाँ पर बना लीजिए, देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया है। इस तरह से आपको इस काम को कर लेना है। करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या शो करेंगे, कैश। यहाँ पर हम लोगों को राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में आइए, यहाँ पर डीटी दिखाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को चेक दिखाना है, यहाँ तक करना है। यहाँ तक कर लेने के बाद जो है आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ भी क्लिक कीजिए, यहाँ भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल में आपको यहाँ पर 25 साइज कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल हो गया है। अब यहाँ पर जो काम आपको करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए सभी को और ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि बार बार हम लोगों को ये डिजाइन ना बनाना पड़े। ये काम करने से आपके लिए काफी सुविधा हो सकता है और इसको भी चेक कर लीजिए, सभी को चेक आपको चेक कर लीजिए और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए ग्रुप। तो जैसे आपने ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये सारे ग्रुप में आ गए हैं। देखिए अब आप इसको किसी भी जगह मूवमेंट करवाइए तो आराम से ये मूव करने लग जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद आपको एक काम और करना है, वो है इसको आपको कंट्रोल के साथ दबा के इसको एक जगह और रख लीजिए और यहाँ पर जो है इसका नाम आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो है इसको आप रख लीजिए अगस्त, अगस्त कर दीजिए और यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव कराइए, एक मिनट, यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा इसका साइज को जो है यहाँ तक कर लीजिए और यहां से आके इसको भी थोड़ा सा आप मूव कर दीजिए। देखिए यहां पर आ गया है। अब आप यहां तक करने के बाद जो है यहां पर इसमें जो है इसको भी आप बदल दीजिए, यहां पर कैश डीडी यही रहेंगे लेकिन सिर्फ आपको करना यह है कि इसका फॉन्ट डिजाइन जो है इसको आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो चलिए हम लोग यहां पर इसको जो सेक्शन है इसमें हम लोग इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं और इसको भी हम लोग इसी तरह का कलर कर देते हैं और साथ में ये जो देख रहे हैं आप इसका भी कलर हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देंगे। तो चलिए इसको भी सिलेक्ट रखते हैं, ये हो गए और इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग इसको कलर कर दिए। देखिए यहां भी हम लोग का छूट गया एक ठो, तो इसका भी कलर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को इसको भी बना लेना है। नेक्स्ट काम जो है इसको सिलेक्ट कर दीजिए और फिर से आप इसको कंट्रोल को दबाते हुए यहां पर लेके चले आइए और ले आने के बाद जो है आपको यहां पर भी क्या कर देना है, वही काम सेम एज इट इज करना है। इसमें आपको करना है, आपको एडिट टेक्स्ट में करना है और यहां पर जो है आपको सिंपल सा आपको टाइप कर देना है सेप्टेम्बर, देखिए सेप्टेम्बर ये टाइप कर देना है। थोड़ा सा आप इधर से भी मर्ज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी थोड़ा सा इधर कर दीजिए, देखिए बिल्कुल आ गया जगह पर। अब यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद इसका भी जो है फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए। चलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर करनी है और इसको भी हम लोग ग्रीन कलर करना चाहते हैं तो सिंपल से इसको भी आप ग्रीन कर दीजिए और इसका जो एरो है इन सबको भी अगर आप चाहते हैं ग्रीन कलर करने तो आप इसको भी ग्रीन कलर कर दीजिए। तो ग्रीन कलर करने के लिए यहाँ पर देखिए ग्रीन का ऑप्शन है, आप यहाँ से ले लीजिए। कोई अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में इसको ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो यहाँ तक कर लेने के बाद ये हम लोगों का तैयार हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोगों को करना जो है अब लिंकिंग का काम करना है। तो लिंक कैसे करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसको आप लोग गौर से देखिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं, या तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, ये हाइपरलिंक का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको यहाँ से भी आप कर सकते हैं या तो आप राइट क्लिक करके आप हाइपरलिंक में जाके भी ये काम को कर सकते हैं। अब आपको जो लेना है सोर्स पाथ को लेना है, आपका फाइल किस जगह में है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, फाइल मेरा जो है ई ड्राइव में है और ई ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट
जो मेरा फोल्डर है उसको ले लेना है, और यहाँ से हम फोल्डर को चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर जिससे जुलाई का है तो जुलाई में हम लोग चले जाएंगे और यहाँ से कैश सेक्शन को यहाँ से ओके कर देंगे। तो कैश के लिए कैश बन गया, इसी तरह हम लोग डीडी के लिए भी करेंगे। देखिए कैश में हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर यस कर देंगे, तो देखिए हम लोग का कैश का डेटा खुल गया है। उसी प्रकार डीडी के लिए भी करेंगे तो डीडी में भी राइट क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक में जाएंगे, और यहां से आप लोग जो है ई ड्राइव को ले लीजिए। यहां से हम लोग अपना फोल्डर को चूज कर लेंगे, फिर वही काम दोहराएंगे और यहां से हम लोग जुलाई सेक्शन को ले लेंगे और यहां से ले लेंगे डीडी, देन इसको ओके कर देंगे। सेम एज इट इज प्रोसेस आपका चेक के लिए भी होंगे, राइट क्लिक कीजिए और आपको कर देना है यहाँ पर हाइपरलिंक, और यहाँ से जाना है आपको ई ड्राइव में, यहाँ से आपको ले लेना है आपका अपना फोल्डर, यहाँ से कलेक्शन में आइए, यहाँ से इस फोल्डर को चूज कीजिए, जुलाई में आने के बाद चेक को आप ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार से आपको अगस्त का भी करना है, तो चलिए इसमें भी करते हैं, इसमें राइट क्लिक करते हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं हाइपरलिंक में और यहां से हम लोग ले लेते हैं ई ड्राइव को, और यहां से आप ले लेते हैं अपना फोल्डर। फोल्डर को लेने के बाद हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे अपना अगस्त वाले जो ऑप्शन है उसको, तो अगस्त ऊपर में है इसको ले लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों का कैश के लिए कर रहे हैं तो कैश में हम लोग ओके कर देते हैं, तो कैश रेडी हो गया। फिर हम लोग करेंगे डीडी के लिए, फिर हम लोग हाइपरलिंक में जाएंगे, यहां से फिर वही काम करेंगे, बार बार से आपको वही चीज दोहराना है। यहाँ पर आना है, कलेक्शन में जाना है, इसको ले लेना है, देन अगस्त में आना है, और देन ये डीडी के लिए है तो डीडी को रख लीजिए। फिर उसी प्रकार आपको चेक के लिए करना है, फिर हाइपरलिंक में आइए, यहाँ पर आ जाइए आप ई ड्राइव में, यहाँ से आप ले लीजिए अपने फोल्डर को चूज कर लीजिए, फिर हम लोग इसी को ले लेंगे और उसी प्रकार अगस्त को ले लीजिए और यहाँ से चेक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अभी तैयार हो गया, देख लेते हैं इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए कैश में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया है, फिर हम लोग देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डीडी का दिखा रहा है, अगस्त का दिखा रहा है देखिए, और यहाँ पर देखिए चेक में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए चेक का भी दिखा रहा है और ये अगस्त का आपको दिखा रहा है। अब हम लोगों के पास सेप्टेम्बर का है तो फिर उसी तरह इसमें राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ की बटन प्रेस कर दीजिए तो भी ये खुल जाएंगे, और यहाँ से आप ई ड्राइव को ले लीजिए और आप यहाँ से चले जाइए अपने फोल्डर में, कलेक्शन में आइए, यहाँ से आप सितंबर वाला ऑप्शन को ले लीजिए, कैश को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, फिर इसमें कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस कीजिए, फिर यहाँ से ई ड्राइव को चूज कर लीजिए, फिर अपना जो फाइल है वो आपको ओपन कर लेना है, इम्पॉर्टेंट कलेक्शन इसमें जाइए, सितंबर वाला में क्लिक कीजिए, डीडी को ले लीजिए, ओके कर दीजिए। बस उसी प्रकार से आपको कंट्रोल के बटन प्रेस करना है, यहाँ से आप ई ड्राइव को ले लीजिए और यहाँ से आप चले जाइए इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गया, कलेक्शन को जाइए, यहाँ पर आइए और यहाँ से सितंबर को लेके चेक बटन को लेकर ओके कर लीजिए। बस आपका तैयार हो गया, देखिए मैं चेक को देखना चाहता हूँ सितंबर में चेक कितना आया है, देखिए इतना रुपीज का चेक आया है, 445 रुपीज का, तो देखिए आपको दिखा रहा है, और उसी प्रकार डीडी में भी देखना चाहते हैं तो देखिए डीडी को भी दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से एक से ज्यादा वर्कशीट को आप एक ही सिंगल शीट से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था तरीका करने का, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप बहुत ही अच्छा से इसको कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी चीज़ चेंजिंग करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू में जाके इसके ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ कहाँ पर है, जूम कर देता हूँ, और यहाँ देखिए आपको व्यू ऑप्शन में मिलेंगे ग्रिड लाइंस, और यहाँ पर इसको चेक करने की जगह आपको इसको कर देना है अनचेक। जैसे आप अनचेक कर दीजिएगा तो ये देखिए व्हाइट में आ गया है, कन्वर्ट हो गया। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।